من نصلي إلى رسول الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ ڈے ہماری گفتگو حروف مقطعات اور ان کی اصل پر ہو رہی تھی. جیسے میں نے اس وقت عرض کیا کہ یہ حروف مقطعات اصل میں وہ حروف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں روبرو گفتگو ہونے کے بعد عطا فرمائے تھے. جہاں تک اس کی اصل کی بات ہے، یہ حروف در حقیقت ایک ٹرانسکرپٹ ہیں اس قانون کا جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے اور اسے چلا رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ حروف مقطعات اصل میں وہ حروف ہیں جو ایک لا بک کا جست ہیں. اگر انہیں ہم ٹرانسلیٹ کرتے چلے جائیں تو وہ قانون ٹرانسلیٹ ہوتا چلا جائے گا، جس کی بنا پر اور جس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے. کیونکہ یہ کائنات ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے اور رب تعالیٰ اپنی قدرت کے صدقے اس بیلنس کو آؤٹ نہیں ہونے دیتا. جس دن اس کا بیلنس آؤٹ ہوگا وہ روز قیامت ہوگا، اور اسی لیے سورج سوانیزے پہ آ جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. یہ بھی اسی صورت میں ہو سکے گا جب اللہ چاہے گا کہ یوں ہو جائے، تو یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو جو کائنات اتنی ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے وہ یقیناً کسی طے شدہ فرم قانون کے تحت چل رہی ہے، اصول پر چل رہی ہے. وہ قانون یا وہ اصول کیا ہے؟ وہ انہی حروف مقطعات میں پنہا ہے. ایک دوسری چیز اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو سورہ بقرہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیا تھا، وہ علم الاسماء بھی اسی میں سمایا ہے. یہ اس کی کوڈڈ فارم ہے، اسی کا ایک حصہ ہے وہ علم الاسماء بھی جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. اور ان حروف کی تعداد میں نے عرض کی تھی آپ سے 14 ہے اور 29 صورتیں ان حروف سے شروع ہوئی ہیں. اس کو اگر ہم 5 کے ڈیجٹ میں تبدیل کرتے ہیں، 4 + 1 = 5 ہو گئے اور ایک سنگل ڈیجٹ بن گیا، تو یہ 5 کا حرف یہ ڈپکٹ کرے گا مالک کل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب کل مطلب قرآن پاک، اور علم کل یا علم قرآن، اور پھر اس سے آگے 5ویں نمبر پہ وہ جو اس علوم کو جانتے ہیں، یا یوں کہیے کہ 5ویں نمبر پہ علم کے جاننے کو.
ये इन पांच चीजों को डिपिक्ट करता है ये फिगर। इन हरूफ में तीन हरूफ वो हैं जो नुक्ते वाले हैं। इन हरूफ से जो अल्फाज आगे बरामद हुए हैं, अगर उन्हें हम उन अल्फाज को अब्जद पर तोड़ेंगे और तोड़ के हरूफ अब्जद का टोटल बनाएंगे तो वो बन जाएंगे 1,87,61,00,000 हरूफ अब्जद। ये उनकी तादाद ये बनेगी इनसे आगे। जो 14 सूरतें हैं वो जिन हरूफ पर मुश्तमल हैं, अगर उन तमाम हरूफ के आगे अल्फाज देखें और फिर उन्हें हरूफ अब्जद में तब्दील करें तो 87,81,91,00,000 समथिंग वो हरूफ हरूफ अब्जद में तब्दील हो जाएंगे। पर इसी तरह उन तीनों नुक्ते वाले हरूफ को अगर हम उनके जमा कर लें तो नफी में चले जाते हैं और ला के मकाम पर चले जाएंगे। पर ये याद रखिए कि खुद इस्लाम की इब्तदा नफी से है। ये पहले भी अर्ज किया था मैंने कि इस्लाम की इब्तदा ही नफी से होती है। एक इंसान जब इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए जो बुनियादी चीज है उसे पढ़ता है तो वो ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नफी है। तो अपने माजी की नफी कर देता है, अपने आप को टोटली नेगेट करके एक नए फेथ में ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को इंसान, और गुजरी हुई जिंदगी के अकायद से रिश्ता तोड़ लेता है या उन अकायद की नफी कर देता है। तो ये नफी में चले जाएंगे और ला के मकाम पर चले जाएंगे। हरूफ मक्तात के इब्तदा में जो पहली सूरत ही शुरू होती है कुरान पाक की वो तीन हरूफ मक्तात से है, अलफ लाम मीम। शायद पहले किसी नशिस्त में मैंने जिक्र किया था कि इनका खुलासा तो मैं बयान करने का मुजाज नहीं हूं, लेकिन ये तीन हरूफ किसके लिए स्टैंड करते हैं वो मैं अर्ज कर देता हूं, जो वहां तक की इजाजत है इससे आगे नहीं। उसमें अलिफ अल्लाह के लिए है, लाम ला के लिए है, और मीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक का है। वो जो मैंने अर्ज किया था कि हरूफ मक्तात से जो सूरतें शुरू होती हैं वो टोटल 29 हैं, उसका टोटल 11 बना, और 11 का टोटल मैंने अर्ज किया था कि वो 1+1 नहीं होता कभी, वो 1+1 होता है रूहानियत में, मैथमेटिक्स में तो 1+1 ही है। 1+1 2 ही हो जाते हैं और 1+1 1 ही रहता है। दोनों तरीके से आप उसे रीड कर लीजिए। तो ये जो 1+1 है उसका टोटल, एक बनाने वाला और दूसरा बनने वाला। बनाने वाला आप रब ताला और बनने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो पहली सूरत
अल्फ लाम मीम से शुरू हुई और इसकी इब्तदा अलिफ लाम मीम से की गई। अब आप उसको लिंक कर पाएंगे दोनों को, वो जो अर्ज कर रहा था मैं उस दिन कि 1+1 ये एक बनने वाला और एक बनाने वाला, ये गैर शौरी तौर पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं बनने वाला पहले ले आता हूं, इज्जत और एहतराम दिल में है तो लाशऊर उसे पहले रख देता है, अदरवाइज तरतीब इसकी जो दुरुस्त है वो बनाने वाला और बनने वाला होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक एहतराम और इज्जत दिल में छुपा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो वो लाशऊरी तौर पर जुबान से बनने वाला पहले निकलता है, लेकिन दुरुस्त तरतीब उसकी बनाने वाला और बनने वाला है। तो इन दोनों का जिक्र इस सूरत की इब्तदाही में है। अब ला के मायने अगर मैं खोलने बैठूंगा तो भेद खुल जाएगा कि दरमियान में लाम क्यों आया, वो खोलने का मुजाज नहीं मैं, इसलिए मैं उससे माजरत चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्न में मैं एक चीज और अर्ज कर दू आज आपसे, मुख्तलिफ हवालों से तकरीबन रोज ही हम एक इल्म का जिक्र पढ़ते हैं, वो है इल्म फलकियात। इसके लुगती मायने तो ये हैं, आसमानों का इल्म लुगती मायने, इस्तिलाही तौर पर इसे हम एस्ट्रोलॉजी से मंसूब करते हैं। दरहकीकत ये होना चाहिए इल्म कायनात, एस्ट्रोलॉजी नहीं होना चाहिए इसके लिए। अब इस कायनात के दरमियान एक गैर मरई लिंक बनता है, चांद सितारे हैं, सूरज है, इनके और जमीन के दरमियान क्या है? चांद सितारे और सूरज और उससे बियॉन्ड जो कुछ है वो फलकियात है, लेकिन उसके बाद क्या है? वो गैर मरई जो ताल्लुक है और गैर मरई लिंक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जात है। दूसरे लफ्जों में आप इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन चूंकि वो गुस्ताखी है कि आपका जाती नाम पुकारा जाए, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कभी अरबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जात लिखा हुआ देखिए, इसमें ये मीम का दायरा, उसके बाद ये लंबा होके, उसके बाद ये है, और फिर लंबा खींच के यहां जाके मीम और उसके बाद आगे दाल। आज सिर्फ मैं गुफ्तगु इसी तक महदूद रखूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें जात का जो पहला मीम है उसमें जो मीम का हेड है गोल, वो क्या है? क्योंकि ये नाम इसी तरह लिखा हुआ लिंक बनता है कायनात के दरमियान लंबा। इस गोल दायरे के अंदर नूर है जो जगमगाता है,
इसके अंदर अंधेरे हैं जो फैलते हैं, इसके अंदर एक तीसरी चीज है जो मैं शायद बयान इस वक्त नहीं करूं। इसी तरह मीम को जो लंबा करके लिखा उन्होंने हे के साथ मिलाने के लिए, वो इस नूर के नतीजे में बढ़ते हुए साए हैं। अब ये जिस अंदाज में लिखा हुआ है अरबी में, अगर लंबा करके लिखा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइस में जात, तो एक जमाने में मैंने अर्शे मुअल्ला पर खिंचे हुए खत खते इस्तवा का जिक्र किया था। दर हकीकत वो खते इस्तवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जात अगर हम और लंबा खींच के सीधा करके लिखें एक लाइन की सूरत में, तो खते इस्तवा की शक्ल बनती है। यही ताल्लुक है फल्कियात में और नीचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें जात के दाल का जो आखिरी सिरा है उससे समते निकलती हैं, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब ये वो समते हैं। बाकी इंशाल्लाह आइंदा सेटिंग में अर्ज करूंगा। मैं शायद दफ्तर के काम से मुल्क से बाहर चला जाऊं ट्यूसडे को, और मेरी वापसी गालिबन 4 वीक के बाद होगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर जिंदा रहे मुलाकात रहेगी आपसे। जिस जमन में कोई सवाल किसी के जहन में तो मैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस तरह ये आपने आज ये हरूफ मकत्तात के मुतालिक आपने बताया, इसी तरह कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ सूरतों को, एक दो सूरतें तो मेरे जहन में है, सूरह बनी इसराइल या सूरह अहकाफ, इसमें अगर आयात का इख्तिताम देखें तो वो मखसूस अल्फाज पे आएगा, अलिफ पे आ रहा है, कुछ का नून पे आ रहा है, और कुछ टाइम आप पढ़ें उनको तो आपकी एक अजीब कैफियत हो जाती है, हर दफा नहीं समटाइम्स, तो उसकी उसके मुतालिक अगर आप कुछ। बिल्कुल मैं अर्ज करूंगा, जब ये हरूफ मक्तात से मुतालिक हमारी नशिस्त खत्म हो जाए तो इस सवाल को आप याद रखिए, तो उस वक्त अगर करेंगे तो फिर मैं उन अख्तामी हरूफ पे आ जाऊंगा सूरतों के, वो बयान कर दूंगा आपसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरूफ़े मक्तात को सिर्फ पढ़ा जाना किसी खास तरतीब से जरूरी है या सिर्फ आप उन्हें देखिए, या जैसे लोग सिर्फ उसे किसी खैर बरकत के लिए लिख कर रख लेते हैं या लगा लेते हैं, तो उस सिलसिले में कुछ अर्ज करें। सच ये है कि किसी जमाने में तो मैं वज़ाइफ और जिक्र अज़कार का बहुत शौकीन था, और कोशिश ये होती थी कि कोई ना कोई वजीफा और ऐड होता चला जाए, तो वो दर्जनों वजीफे बन गए जो पढ़ता था एक वक्त में, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही कि तस्बीहों और वज़ाइफ की कसरत पे जोर हो। जो कुछ पढ़ता हूं उसकी तादाद तो बेतहाशा हो गई, बेपना बढ़ गई, लेकिन जो वैरायटी ऑफ वज़ाइफ और तस्बीहात थी वो वैरायटी रिड्यूस होके एक दो पे रह गई। तो मेरा जाती तजर्बा ये हुआ कि जहां कोई वजीफा देखा पढ़ा सुना वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया,
पहुंचा नहीं कहीं। लेकिन जब मुर्शिद साहब से मिला, मुलाकात हुई उनसे पहली, तो पहली बात जो आपने फरमाई वो ये थी कि ये सब पढ़ना बंद कर दो। उसकी बजाय एक चीज उन्होंने फरमा दी, ये पढ़ा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी रहमतें फरमा दी कुछ ही अरसे में। हालांकि एक समझ मुझे ये आई कि अल्लाह ताला ने तो कुरान हम पर नाजिल इसलिए किया कि हम राह रास्त को जान सकें, उससे हम सीधा और असल रास्ता देख लें जो हमें उस मंजिल पे पहुंचा दे जहां हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हों और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए। जिस चीज को रब ताला ने सबसे ज्यादा हकीर गर्दाना और जिससे हमें दूर करने की कोशिश की वो दुनिया और दुनिया की हिर्स है। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जिस कुरान को रब ने उतारा था कि हम हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत और हिर्स निकल जाए और हम सीधी राह पर चल पड़े, हम उस कुरान को दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से आयत निकाल के हम दुनिया ही के रसूल के लिए आसानियां चाहते हैं। तो मेरे नजदीक तो ये सब आयरनी है, खुद अपनी जात पर जुल्म है हमारे। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक पुलिस वाले को खड़ा किया जाए कि ये वन वे है, इधर से ट्रैफिक जाने ना पाए, तो हम उसी पुलिस वाले से कहें कि हम रास्ते की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं, तुम हमें एस्कॉर्ट करके दूसरे सिरे तक छोड़ के आओ। तो इसी तरह जो अल्लाह के अता करदा आलूम है उनको हम दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करें, तो मेरे नजदीक को खुद अपनी ही जात पर जुल्म कर रहे होंगे हम। वो आलूम जिन्हें हमें दुनिया से दूर ले जाना है, दुनिया की मोहब्बत से पाक करना है, उन्हीं आलूम को हम दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूं। बाकी आप साहिबान इस्तेमाल करना चाहते हैं जरूर कीजिए, क्यों नहीं, लेकिन ये देख लीजिए कि हक ये है जो मैंने अर्ज किया है। शाह साहब, इसमें एक जिमनी सवाल, ये जो लौहे कुरानी आपको जगह जगह लोग लगा लेते हैं, आपको लिखा हुआ नजर आता है, इसकी सोर्स क्या है? क्या ये कुरान पाक है या किसी बुजुर्ग ने खुद से इसको किया है? एक दिन मैं देख रहा था उसमें रे नहीं है, रा नहीं है उसके अंदर। ये कुरान ने इसे वादे नहीं किया है, ये किसी साहब ने खुद उसको डिवाइस किया है। कुरान ने ये नहीं कहा कि इसको इस तरतीब से लगा लें तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ये किसी साहब ने खुद डिवाइस किया हुआ है। जिन साहब ने इसे बनाया होगा उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक उसमें रे नहीं लिखा, उनकी कैलकुलेशन में नहीं आ रहा होगा। मैंने तो अर्ज किया कि मैं इन चीजों से बहुत दूर भाग गया, तो जिन चीजों से मैं दूर भाग गया उससे दिलचस्पी भी नहीं रखी पहले। सर, ये आज के जो सवाल आते हैं उनसे हट के है थोड़ा सा सवाल, कि हम लोग शेख के पास जाते हैं, जो हो सकता है मेरा ये अंदाज गलत हो, लेकिन शेख के पास एज ए हम जाते हैं कि उस्ताद के पास तालीम के लिए, वो शेख साहब वफात पा गए, हम उस नहज पे नहीं है कि हम उस तक पहुंच सके,
उसके बाद इस पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि हम दूसरी जगह बैत नहीं हो सकते, इसको जरा एक तो बयान कर दें, दूसरा कि वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों है। अच्छे स्कूलों में आपने एक चीज नोट की होगी कि वो आपको मना करती है कि अपने बच्चे को ट्यूशन पर ना भेजिए और अपने बच्चे को आप घर पे ना पढ़ाइए। उनका कहना ये होता है कि जो कुछ हमने स्कूल में से पढ़ा दिया है और होमवर्क दिया है वो काफी है इसके लिए। उसके पीछे हिकमत सिर्फ एक ही है कि उन स्कूल में जो आपके बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने का अपना एक तरीका है, अपना एक अंदाज है, अपना एक असलूब है। जो ट्यूटर आप घर पे रखेंगे या अगर खुद पढ़ाएंगे बच्चे को तो वो उससे मुख्तलिफ होगा। ये कुदरती अमर है कि हर आदमी का तरीका मुख्तलिफ होता है। नतीजा ये होगा कि बच्चे में कन्फ्यूजन पैदा होगा। इस वजह से अच्छे स्कूल मना करते हैं कि ना ट्यूटर रखा जाए ना खुद पढ़ाइए। वैसे ही जब आप किसी शेख के पास जाते हैं और उसके सामने बैठते हैं इल्म सीखो, उस शेख का अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है, अपना एक अंदाजा है, वो उससे आपको तालीम दे रहा है। क्योंकि आप एक ऐसे इल्म की तालीम ले रहे हैं जिससे आप वाकिफ नहीं है, तो आपकी तरबियत अपने अंदाज में करके एक जगह पहुंचाएंगे शेख आपके। लेकिन अगर आप इसी दौरान दूसरे शेख के पास जाने लगे तो आपको अपने अंदाज तालीम देने लगेंगे। नतीजा ये होगा कि आप में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और आप दोनों शयूख में से किसी के तरीके से चल के कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ना आप इसके रहे ना उसके रहे। तो यूं ये दुनियावी रीजन तो इसकी मैं आपको, इसकी तौजीह रादर दुनियावी तौजीह तो इसकी मैं आपको ये बता रहा हूं। रूहानी तौर पर बल्कि मैं इसको मुकम्मल कर दूं ताकि आपके जहन में जो सवाल पैदा हुआ है उसका जवाब भी साथ ही आ जाए। तो ये सब जिंदा हालत में नहीं बल्कि जब किसी के शेख पर्दा कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे तक अपने शागिर्द की तरबियत की है, तालीम की है एक खास अंदाज में, वो मोल्ड हो गया है उस मोल्ड के अंदर। अगर शेख के चले जाने के बाद भी किसी और शेख के पास जाएंगे तो वहां वो मोल्ड उसका टूटने लगेगा, क्योंकि पुख्ता हो चुका तो पूरी तरह टूट तो नहीं सकेगा, क्रैक जरूर आ जाएंगे, तो फिर भी वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो पहले थी। अब इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर शेख साहब के पर्दा कर जाने के बाद कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई कुछ चाहिए तो कैसे होगी? तो उसका तरीका कार ये है कि आप रूहानी तौर पर मतवज्जो रहिए अपने शेख की तरफ, जिसको दूसरे लफ्जों में तसव्वुर शेख कहते हैं, और उसका तसव्वुर करके गौर फिक्र कीजिए उस मसले पर, इंशाल्लाह वो नुक्ता खुल जाएगा। ये शेख के इल्म की बरकत है जो अल्लाह ने उस शेख को इल्म अता फरमाया था, तो नुक्ता खुल जाता है। जी सर, ये तो उस जबकि हमने जबकि एक एज है 15 या 16 साल से में आपने बैठ हुए और हमें इन माँ बाप का इल्म ही नहीं और हम चलते चले गए 15-10 साल तक और शेख से दोबारा रास्ता भी नहीं किया। फिर एक ऐसी स्टेज आई जब हम आपके पास आ गए
और आपने अभी उस पटरी पे जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक है आपने हमें चलाया और हमें ये बताया कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करें एज पर योर इस्तेताब, तो हम तो इस्तेताब पे अब भी नहीं पहुंचे, कोशिश हम कर रहे हैं, तो वापस हम उस तरफ कैसे चले? बात ये है कि दुनियावी इल्म जो है इसका अंदाजा तो हम यूं लगाते हैं कि अब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन की स्टेज पे आ गया, अब इसने मैट्रिकुलेशन कर ली, अब इसने इंटर कर लिया, अब इसने ग्रेजुएशन कर ली, तो मैयर होता रहता कि इल्म के किस दर्जे पर है ये बंदा। लेकिन रूहानी इल्म और तरबियत दोनों ही बातें, उसमें यूं मैयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन कहीं मौजूद नहीं है, दर्जाबंदी मौजूद नहीं है उसकी। आप कार में सफर कर रहे हैं, अगर अपने स्पीडोमीटर पर नजर ना भी डालें तो आपकी दोनों तरफ गुजरने वाली इमारतें और दरख्त और दूसरे ऐसी लैंडमार्क्स, उससे आपको अंदाजा होता है कि आप किस स्पीड पर जा रहे होंगे इस वक्त, आप कहां पहुंचे हैं, उसका अंदाजा भी हो जाएगा कि अच्छा आप ये जो बिल्डिंग्स हैं ये गुजरांवाला की आ गई, मैं गुजरांवाला पहुंच गया, अब ये रेलवे स्टेशन गुजरांवाला का गुजरा है, अब ये गुजरात का गुजरा, तो ये आपके पास एक यार्डस्टिक मौजूद है ये मैयर करने की कि किस स्पीड पे जा रहे हैं और कितना फासला तय किया आपने। लेकिन अगर आप हवाई जहाज में जा रहे हैं तो आप में से हर एक ने नोट किया होगा कि आप एयरक्राफ्ट की विंडो से बाहर देखें तो आपको एहसास ये होता है कि जहाज अपनी जगह ठहरा हुआ है, हालांकि वो 550 मील की रफ्तार पर प्रवास कर रहा होता है, जो नियरली 950 किलोमीटर बन जाएगा। इसलिए कि आपके इर्द गिर्द कोई रेफरेंस नहीं, कोई गुजरती चीजें नहीं है दोनों तरफ से जो आपको स्पीड का एहसास हो सके। हाँ, अगर थोड़े फासले से एक और जहाज दूसरी तरफ से गुजर रहा है तो उसको देख के अंदाजा होगा कि स्पीड कितनी है। इसी तरह ये आप अंदाजा नहीं कर सकते आसमान को देखकर कि आप इस वक्त कहां से गुजर रहे हैं। तो रूहानियत में और रूहानी इल्म में और तरबियत के मामले में हमारे पास कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है जिसको देख के हम ये अंदाजा कर लें कि हमारी तरबियत किस दर्जे तक की हो चुकी और हमें इल्म कितना मिल चुका, मिला भी या नहीं मिला। फिर एक चीज जो हमें तंग करती है वो ये है कि किताबें पढ़ पढ़ के, अफसानवी बातें पढ़ पढ़ के हमारे जहन में तसव्वुर ये कायम हुआ है कि जिसके पास रूहानी इल्म होता है वो गैर मरई कुव्वतों का मालिक होता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें रूहानी इल्म मिलेगा तो साहब हम तो जिधर को नजर उठाएंगे हमारा काम हो जाएगा, किसी के मजाल नहीं हमारे सामने आंख उठा के बात कर जाए, बीमारी की क्या हिम्मत है कि हमारे औलाद के करीब आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किए। ये तो रूहानी इल्म है, वली अल्लाह तो बेचारा क्या बेचता है, किस खेत की मूली है, पैगंबरों पर देखिए क्या क्या मुश्किलें आई की हैं और उनकी औलाद के साथ क्या क्या बीता, क्या क्या बीमारी काटी है, वली अल्लाह पैगंबर के मुकाबले पर क्या मायने रखता है बेचारा। तो हम एक धोखा उससे खाते हैं कि सर लीजिए दफ्तर में मेरे बॉस ने बुलाकर मुझे झाड़ दिया, तो ये कैसा रूहानी इल्म है मेरे पास के मेरी डांट पड़ गई। तो ये वो जो अफसानवी बातें पढ़ते रहिए हम, ये उसका असर है। तो वो जो आपने कुछ अरसा गुजारा
مرشد کی بیعت میں تو غیر محسوس طریقے پہ آپ کی تربیت تو تب بھی ہوتی رہی. آپ کے والدین بیعت تھے, وہ اپنے اپنے شیخ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے, آپ اپنے والدین سے سیکھیں گے, انڈائریکٹلی آپ نے شیخ کے طریقے پہ عمل کیا تو تربیت تو پھر بھی ہو گئی آپ کی. تو جب آپ پھر دوسرے شیخ کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے طریقے سے بتائے گا, آپ میں کنفیوژن آ جائے گا. یہ سوال جو آپ نے پوچھے یہ بتا خود اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ پہلے سے کنفیوز ہو چکے, کیونکہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہی اس وقت ہوں گے جب ہمارے ذہن میں دو تربیتوں کا کلیش ہو رہا ہوگا. یوں میں منع کرتا ہوں, اور یوں یہ روحانیت کے اندر بنیادی اصول ہے کہ جب آپ کسی ایک شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو پھر کسی اور کے پاس مت جائیے تاکہ یہ کنفیوژنس پیدا نہ ہونے پائے. آپ نے بدقسمتی سے میری مثال دے دی, تو میں یہ عرض کروں کہ صاحب میں کہاں کا شیخ ہوں؟ جو انسان ابھی گھٹنوں کے بل کرال کرنا سیکھ رہا ہے اس سے ایک جوان آدمی کی طرح سپرنٹ کی تو آپ کیسے رکھتے ہیں؟ تو میں اولمپئن کہاں سے بن جاؤں گا جبکہ مجھے ابھی چلنا بھی نہیں آتا؟ تو میں تو خود اپنے آپ کو ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکا تو کسی کی تربیت کیا کروں گا. اس لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ چونکہ مجھ سے ملتے ہیں تو آپ مجھ سے کچھ حاصل کر رہے ہوں گے. انسان کسی سے حاصل اسی صورت میں کر پاتا ہے جب دوسرے کے پاس دینے کو کچھ ہو. میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں, تو مجھ سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ میں دکانداری سجائے بیٹھا ہوں کہ لوگ اس دھوکے میں مجھے کوئی اچھا آدمی سمجھ لیں اور مجھے سلام کرتے رہیں اور میں ان سے سلام کرا کرا کے خوش ہوتا رہوں. یہ دکانداری سجی ہے میری, بس سب ڈھونگ لچایا ہے میں نے. تو وہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں کرتا ہوں وہ بھی اسی ڈھونگ کا ایک حصہ ہے کہ لوگ ان باتوں کو سن کے مجھے نیک سمجھ لیں اور مجھے سلام کرنے لگیں. اصلیت یہ ہے کہ میں بالکل خالی ہوں, گناہگار انسان ہوں. سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے میرے گناہگار ہونے کا اور میرے اس کلیم کا کہ میں کچھ نہیں. جو انسان اپنے آپ کو نہیں سنوار سکا وہ کسی دوسرے کو کیا سنوارے گا؟ سیدھا ثبوت ہے جناب. بات یہ کہ اور کوئی ریا ریا صرف اپنی ذات ہے کہ ہم جب آپ کے پاس آئے تو ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک, باقی سب چیزیں ایک طرف, کوئی روحانی قوت نہیں, کوئی ایسی چیزیں بھی میرے پاس. صرف یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا تو مجھ میں کیا چیز, میں تو صرف وہ بیان دے جو مجھ میں چیز ہے, باقی کوئی چیز نہیں. ہمارے یہاں ایک بڑے اچھے دانشور گزرے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انتقال فرما گئے, جناب اشفاق احمد خان صاحب. شفقت فرماتے تھے اپنی زندگی میں میرے اوپر. تو ایک زمانے میں جب مجھے یو کے میں لمبا عرصہ ٹھہرنا پڑا, تو چونکہ یہ دونوں میاں بیوی بڑے خدا ترس اور بڑے خوف خدا رکھنے والے جناب اشفاق صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ آپا بانو قدسیہ, تو چونکہ میں اس وقت زندگی کے ایک لین پیریڈ سے گزر رہا تھا تو میری دلجوئی کی خاطر بانو آپا اکثر بیشتر مجھے خط لکھتی تھی. مجھے معلوم تھا کہ ان کا خط صرف اس لیے آتا ہے میرے نام کہ میری دلجوئی ہوتی رہے اور میں یہ نہ سوچوں کہ
मुश्किल वक्त में मुझे पूछने वाला कोई नहीं। तो बाना आपा बड़ी अच्छी बातें उसमें लिखती रहती थी, खुशगवार बात। एक दिन अपने खत में बानो आपा ने लिखा कि अशफाक साहब, खान साहब आपको सलाम कहती और ये फरमा रहे हैं कि ये सब शरारत सरफराज की है, वो तीली लगा के खुद इंग्लैंड भाग गया है। उसको ये नहीं पता कि जाली पीर असली पीरों से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और आजकल मैं बहुत पॉपुलर हूं। ये अशफाक साहब का एक अंदाज था दूसरे को खुश करने का, उसकी दिलजोई का और उसका बकअप करने का, ये बड़ा खूबसूरत अंदाज था। तो बकौल खान साहब के उन्होंने तो ये सिर्फ ऐसी मुझे हंसाने के लिए बात कही, लेकिन ये अर्ज कर दूं कि ये हकीकत है कि जो मुझ जैसे जाली पी रहे हैं ये इस तरह से अपने आप को पोज करते हैं कि दूसरे लोग मुतासिर हो जाते हैं। तो आप इस धोखे में मत आइए और अब भी मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी, और संजीदगी से अर्ज कर रहा हूं कि किसी असली और सही इंसान को बतौर शेख पकड़िए और उसके पास जाइए, उससे इक्तसाब फैज कीजिए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और अल्लाह आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा दे। शाह साहब, अगर किसी शेख के हाथ पर बैत किया और जितना टेन्योर उनकी बैत में आपने गुजारा उसमें आपने खुद में कोई चेंजेस फाइंड नहीं किए, फिर आप किसी और टीचर से या किसी और शेख से मिले और रैपिडली जो आप चाह रहे थे कि मैं इस तरह की जिंदगी गुजारूं, आपने खुद में वो चेंजेस देखी, तो इसको आपकी वही बात आ गई कि एक तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो अगर जितना टेन्योर उनके पास आपने गुजारा उसमें चेंजेस क्यों नहीं आई, तो डेफिनेटली फिर ये दूसरे शेख जिनसे आप मिले चेंजेस उनकी वजह से आप में आई, तो इज देयर एनी वे कि आप बैत वहां हो जाए और आप उन शेख से आप आजादी हासिल कर, व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, मेरा ये सवाल है। जिन साहब के हाथ पर आप बैत हैं आप उनसे इजाजत ले लीजिए कि साहब मुझे आप बैत से आजाद कर दें, मैं फॉर सम रीजन दूसरे आदमी के हाथ पे बैत करना चाहता हूं। शेख चूंकि हमेशा बड़ा आदमी होता है, पहले से मुराद मेरी जहनी तौर पर बड़ा आदमी, बड़े दिल का आदमी, तो खुले दिल से आपसे कह देंगे आपके शेख के हाँ हाँ जरूर जाइए आप। तो यूं आप आजाद हो गए बैत से और दूसरी जगह बैत कर लीजिए। जनाब आप या तो उनके खलीफा से अर्ज कर दीजिए या रूहानी तौर पर मुतवज्जो होके अपने शेख की तरफ उनसे इजाजत तलब कर लें। तो चूंकि ये साहिब तसरुफ होती हैं शेख, तो उम्मीद है कि उसका जवाब आपको ख्वाब के जरिए मिल जाएगा। जनाब ये पिछले लेक्चर्स में आपने अक्सर ये दो तीन दफा फरमाया कि हजरत अली कलम अल्लाह वजूद जो है ये इमाम तरीकत है। जनाब तो ये इमाम तरीकत के रोशनी डाल दीजिए कि इसका क्या मतलब है। देखिए जो रूहानी सिलसिला है ये एक तरीक है, उसी लफ्ज से तरीकत निकला है। तो आसान लफ्जों में यूं कह लीजिए कि जो रूहानी सिलसिले हैं इसकी जो राह है, जो इसका वे ऑफ एजुकेशन है और वे ऑफ लाइफ है, उसकी इमामत हजरत अली करम अल्लाह वजहू के पास है, उसे ये मुराद है मेरी। तो चूंकि ये रूहानी सिलसिले और रूहानी तरबियत, रूहानी तालीम, रूहानी वे ऑफ लाइफ
ये सब तरीकत कहलाता है इस्तेलाही तौर पे, तो इसलिए इमाम तरीकत कहा जाता है हज़रत अली करम अल्लाह वजहू के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। ये हम यहाँ आपके यहाँ आते हैं अपनी अकबत संवारने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए। आप बेशक इस बात से इनकार करें, लेकिन हमारा यहाँ ना इस माने में है कि हमें दीन और दुनिया, दुनिया तो रही अपनी जगह, आखिरत का कुछ हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, इसलिए हमें हाजिर होता है। बेशक किसी पहले मुझसे से भी हम बैत हैं, लेकिन आपको हम इस माने में यहाँ हाजिर होते हैं कि आप हमारे लिए बड़ी एक रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो आप बेशक इस चीज को ना माने, हमें मुरीद भी ना समझें, फिर भी हमारा आना जो है ये हमारे लिए चूंकि बायस बरकत है आप, लेकिन इस सिलसिले को हमारे लिए आप जारी व सारी रखें। और हम सब मजमू तौर पर अपने दिल में ये मानते हैं कि हम आपके मुरीद हैं। सब आपने सवाल जब शुरू किया तो मैं तो बड़ा खुश हो गया दिल में कि आप ये फरमाएंगे कि हम तो आपके पास आते थे अपनी आकबत संवारने, हमें क्या मालूम था कि आप इतने गुनाहगार हैं तो आइंदा से हम नहीं आ रहे। मैं बहुत खुश हो गया इस बात पे। लेकिन अगला हिस्सा आपका, उसका एक जवाब अर्ज कर देता हूं आपसे कि यहाँ ये बात कहने का मकसद हरगिज हरगिज ये नहीं कि आप यहां तशरीफ ना लाइए, जरूर तशरीफ लाइए। और ये भी मत समझिए कि मैं अपनी दुकान बढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने ये आज आखिरी दिन आपसे बयान कर दिया। दुकान नहीं बढ़ाऊंगा इसलिए कि बड़ी मुश्किल से तो मैं चंद लोगों को सलाम के लिए अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर पाया, और अगर ये मेरी उल्टी सीधी उठपटांग बातों से आप ये समझते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो रहा है तो बिस्मिल्लाह सर आंखों पर जरूर तशरीफ लाइए। आने से बना नहीं करता और न मैं कर सकता हूं किसी को, क्योंकि एक बात याद रखिए कि फकीर का दरवाजा हर एक के लिए हमेशा खुला रहता है और खास तौर पर दुश्मनों के लिए तो कुछ ज्यादा ही खुला होता है। तो दोस्तों को कैसे मना करूंगा अगर मैं दुश्मनों को नहीं कर सकता तो?